final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to naught in the tournament, are playing Germany. मैं इस पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि हॉकी की सबसे बड़ी खिलाड़ी इंडिया के पुरचुनिया गांव में है। जिस खेल के परचम भारत ने दुनिया के कोने कोने में लहराए, आज वह खेल मुट्ठी में भरी रेत की तरह लोगों के सहन से फिसलता जा रहा है। एक तरफ भारत में हॉकी का जहां सूर्यास्त हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पुरचुनिया गांव में सूर्योदय। बहुत जल्दी मैं तुम लोगों का मैच एक बाहर की टीम से करवाने वाली हूं। कमी इनमें नहीं मैडम, इनकी ट्रिक्स में है। और इनकी ट्रिक्स सिर्फ एक ही कोच सुधार सकता है, वो है राम। तुम करना क्या चाहते हो? बड़ा खेल। अरे बापू, आया भी आपको नहीं था? अरे मैं कोई कहानी नहीं सुना रहूं। इस राम तेरे पूछ रहा कौन आया, किससे मिलने गई थी? बापू, बापू क्या हुआ? हर्षों के बापू। बापू उठो ना। हर्षों के बापू। बापू। हमारा मशीन खत्म हो चुका है राम। बच्चों को यहां से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिंदगी में कभी हार ना मानने वाला राम। हार क्या मालूम है। और इस लड़ाई में फैसला तेरे खिलाफ हुआ तो चार मैच हारने के बाद भी जीतने की उम्मीद रखना अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। पर ये मत भूलना तुम लोग कि ये आखिरी मैच है तुम लोगों का इस गांव को बचाने के लिए। अगर जीत गए तो गांव तुम्हारा, और हार गए